कोटा शहर मेडिकल कॉलेज अस्पताल को विधायक कोष से अत्याधुनिक एम्बुलेंस मिली, जिससे दूर दराज के इलाकों से रक्त संग्रहण करके आसानी से लाया जा सकेगा। बता दें कि एक समारोह में विधायक संदीप शर्मा ने इस एम्बुलेंस के लोकार्पण कर पूजा अर्चना कर इसे अस्पताल को सौंपा। इस मौके पर विधायक शर्मा ने कहा कि इस एम्बुलेंस के आने से अब दूर दराज के क्षेत्रों में जाकर रक्त संग्रहण करके आसानी लाई जा सकेगी। इसमें एक बार में 100 यूनिट एकत्रित कर लाया जा सकेगा। इस मौके पर मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर से संगीता सक्सेना अस्पताल अधीक्षक सहित कई बीजेपी कार्यकर्ता है। कोटा से कोटा ब्लड बैंक और हमारे मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य और सुप्रिंटेंडेंट साहब की मांग थी कि कैसी एम्बुलेंस जो पूरी तरीके से हर सुविधाओं से सज्जित हो और कहीं दूर दराज जगह भी जाकर रक्तदान शिविर हो रहे हो तो वहाँ सुविधाओं के साथ तो रक्तदान शिविर आयोजित हो जाए। तो ये जो एम्बुलेंस ब्लड बैंक के मुताबिक ब्लड एम्बुलेंस बनाई गई है और इस ब्लड बैंक की एम्बुलेंस के माध्यम से बहुत सुगमता से कई जो है यूनिट ब्लड इकट्ठा हो जाएगा। ये संदीप शर्मा जी दक्षिण के लिए तहे दिल से शुक्रगुजार हैं हम सब। पिछले कार्यकाल में हमने उनसे मांग की थी और जो अभी संपन्न हो रही है और एक बहुत ही सुसज्जित वातानुकूलित एम्बुलेंस जो कि पूरी सुव्यवस्था के साथ है, जिसमें दो हाइड्रोलिक काउच और एसी रेफ्रिजरेटर जिसमें 100 यूनिट इकट्ठा कर सकते हैं, एक सीसीटीवी भी लगा हुआ है अंदर कि जब क्या क्या हो रहा है सब कुछ रिकॉर्ड कर सकते हैं, इमरजेंसी इक्विपमेंट्स वगैरह। मैं 100 दिन की कार्य के लिए मेडिकल कॉलेज कोटा को केवल 9 कैंप्स करने के लिए बोला गया था और आपको जानकर के खुशी होगी कि अभी मैं डेटा एंट्री करके आई हूँ। 56 कैंप कल तक की तारीख तक कर लिए, 56 कैंप जिसमें कि 3377 यूनिट इकट्ठा कर लिए।